अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। सामान्य अभियोग्यता धारक संघर्ष समिति महाराष्ट्र राज्य इनकी तरफ से एक निवेदन दिया गया है कि जो शिक्षक भर्ती और टेट बोगस कैंडिडेट को लेकर ये निवेदन दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 अगस्त 2023 का ये निवेदन है और यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कार्याध्यक्ष, इस तरीके से सबके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद जो निवेदन है ये भेजा गया है वो शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे इनको भेजा गया है और इसका विषय जान लेना यहाँ पर अहम है क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती के साथ साथ टेट बोगस धारक की भी बात हो रही है। टीएटी बोगस धारकांना संपूर्ण शिक्षक भर्तीतून बात करून एकाच टप्प्यात 55,000 शिक्षकांची पदे भरण्याबाबत तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टीएटी के जो बोगस कैंडिडेट हैं उनको शिक्षक भर्ती से बाहर कर एक ही टप्पे में 55,000 शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। इस तरीके का ये निवेदन जो है वो शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे इनको दिया गया है। हम तफसील से इसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप इस निवेदन को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आप निवेदन को आसानी से हासिल कर सकते हैं। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए किस तरीके से ये निवेदन दिया गया है, हम यहाँ पर देख लेंगे। माननीय महोदय, शिक्षक भर्तीसाठी राज्याच्या वित्त विभागाने 80% पद भरतीस मान्यता दिली आहे। सध्या महाराष्ट्रात 65,000 पेक्षा जास्त शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत। त्यांच्या 80% म्हणजे जवळपास 55,000 पेक्षा जास्त जागेची शिक्षक भरती एकाच टप्प्यात पूर्ण करून सर्व प्रवर्गांना आरक्षणानुसार न्याय द्यावा आणि टेट म्हणजेच टीएटी बोगस धारकांना भरतीतून कायमस्वरूपी बात करावे यासाठी अनेक बेमुदत आंदोलन झाली, परंतु सरकारने अजूनही ठोस पाऊल उचललेली नाही। विद्यार्थ्याला कायमस्वरूपी शिक्षक मिळण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद आणि खाजगी अनुदानित संस्था या सर्व विभागाची संच मान्यता आणि रोस्टर तपासणी पूर्ण करून पवित्र पोर्टलाद्वारे एकाच टप्प्यात 55,000 शिक्षक भरती करावी आणि टीएटी बोगसांना संपूर्ण शिक्षक बात करावे या संबंधी ऑफिशियल जीआर काढावा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑफिशियल जीआर करने की बात हो रही है और 65,000 से ज़्यादा शिक्षकों की जगह जो है वो महाराष्ट्र में रिक्त है और वित्त विभाग ने 80% 80% शिक्षक भर्ती की बात कही है, जिसके हिसाब से 55,000 शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, इस तरीके से बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जितने टीएटी के बोगस कैंडिडेट हैं उन सबको जो है शिक्षक भर्ती से बाहर काढ़ने की बात की जा रही है। सिर्फ बाहर काढ़ने की बात नहीं की जा रही, उनको ऑफिशियली जीआर काढ़कर बाहर करने की बात इस निवेदन में की जा रही है। और आगे बताया जा रहा है कि कारण शिक्षक भर्ती है नियमानुसार व्हावी, त्यामध्ये अपात्र लोकांना थारा देऊ नये, जेणेकरून पारदर्शक भर्ती होईल तरी अपन योग्य ती कार्रवाई करावी ही विनंती। तो इस तरीके से ये निवेदन दिया गया है। पारदर्शकता की बात यहाँ पर हो रही है, 55,000 शिक्षक भर्ती की बात यहाँ पर हो रही है और एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि 80% शिक्षक भर्ती का जो भी मतलब वित्त विभाग ने परवानगी दी है तो इस तरीके से, और टीएटी के जो बोगस कैंडिडेट उनको शिक्षक भर्ती से बात करने की बात यहाँ पर हो रही है और ऑफिशियल जीआर काटने की बात इस निवेदन में की गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है शिक्षक भर्ती को लेकर और टीएटी के बोगस कैंडिडेट को लेकर। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस निवेदन को हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।